है कि यहाँ पर सभी मेरे बड़े बुजुर्ग किसान भाई और हमारे बीच में आपकी और हमारी ताकत बनने के लिए दूसरे स्टेट से आपकी हमारी हिम्मत बढ़ाने आए श्री अभय चौटाला जी और जितने भी यहाँ पर मंच पर हमारे दिग्गज जिले के लोग उपस्थित हैं सभी को नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। आज 88 दिन लगभग हो गए हैं इस धरने को चलते चलते और आप और हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है और इसी तरह न जाने कितने धरनों में पिछले 1.5 साल से हम देखते आ रहे हैं। जब से 13 महीने वाला दिल्ली वाला धरना खत्म हुआ है उसके बाद से हर छोटे जिले में हर छोटी मील पर आपको यही परेशानी झेलनी पड़ रही है, आपको हमें धरनों पर बैठना पड़ रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है और इस पर सोच करने की जरूरत है। जब मैं यहाँ आ रही थी तो उस टाइम जो वक्ता बोल रहे थे वो कह रहे थे कि ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जो किसान हित की बात करें, जो किसान के हितों को आगे लेकर चले। तो ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं जरूरत हमें ये है कि हम अपने अंदर भी जाके जो हमारे आपस की रंजिशें छोटी मोटी होती है उससे हमारा कभी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आगे कोई भी चीज ऐसी नहीं है हमारे देश में, कोई योजना, हर योजना सरकार के द्वारा चलती है। हर चीज के लिए अगर हम सरकार को दोषी ठहराते हैं तो उसके पीछे वाजिब बजाए हैं क्योंकि पूरे देश की बागडोर सरकार के हाथ में है। तो दोषी किसको ठहराए? कोई विभाग ऐसा नहीं है जो सरकार से अलग हटकर काम कर सके। तो इसीलिए जिम्मेदारी और सारी गलतियां इसी सरकार की है। इस सरकार का हर व्यक्ति इसमें शामिल है। कभी कभी आप और हम सोच लेते हैं कि नहीं, ये तो हमारे बड़े जिले में आ रहे हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये तो भला आदमी है। लेकिन ये सोच आपको हमें नहीं रखनी है। सोच ये है कि उस सरकार की नीतियां क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव विचारधारा के बिना नहीं बदल सकता। और ये जो सरकार है इसने ना किसानों की पहले सुनी और ना आगे सुनेगी, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। इन्होंने सारी चीजें हमारी बेच दी, जो भी जन सुविधाएं थी उन पर टैक्स लगा दिए, सब कुछ महंगाई की बढ़ा दी। तो ये सब सोचने की बात है कि ये सरकार आपको और हमें आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती है। ये किसानों से उनकी जमीन तक को छीनने के मंसूबे बना रही है। सब कुछ प्राइवेटाइजेशन के तहत आपसे दूर करने की साजिश है, बेचने की साजिश है। 2-4 ऐसे लोगों को जो इनके अंडर में रहे, जो इनके कहे पे चले, इनको पैसे देते रहे, इनके काम करते रहे। कोई हमारी सारी समस्याएं सरकार के द्वारा ही हम उनका समाधान करवा सकते हैं। तो आप जो यहाँ पर बैठे हैं कि कितने धरने हो गए जिनमें मैं भी आ रही हूँ, लेकिन क्योंकि चुनाव सर पर है और ये सिर्फ चुनाव के लालच की बात नहीं है, लेकिन हमें अपने अधिकारों के लिए सोचना पड़ेगा। आज मैं आपसे ये वादा लेने आई हूँ कि आज जो आप यहाँ बैठकर परेशानी झेल रहे हैं, आप सब बड़े हैं और इस जिले ने पहले भी ये करके दिखाया है कि यहाँ से भाजपा का सूखड़ा साफ किया था। और इस बार भी मुझे आपसे यही वादा चाहिए कि आज की इस मजबूरी को, इस परेशानी को आप चुनाव वाले भी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग भाजपा के भी बैठे हो, आज उन्हें भी सोचने की जरूरत है कि जब तक सरकार और उसकी विचारधारा और उसकी नीतियों को हम बदलने का काम नहीं करेंगे तो हमारा कोई समाधान नहीं हो पाएगा। हमें हर बार की तरह बैठना पड़ेगा और कई बार बैठने के बाद तो मील वाले बिठा देना छोड़ देते हैं जो आज हो रहा है। और मेरी आप सबसे ये भी गुजारिश है, वैसे मैं छोटी हूँ आपसे, लेकिन जो हमारे आपस की गुटबाजियां हो जाती है, धरने में भी हो जाती है, ये एक बड़ी समस्या है, हम सबकी समस्या है। तो इसमें ये गुटबाजी छोड़कर हम सब अगर एकजुट होकर इनका सामना करें तो मुझे लगता है कि हम इनको बिल्कुल घुटनों के ले आएंगे। लेकिन कुछ कमी आपकी है, आप सबसे गुजारिश है कि उन पर ध्यान दें
और यहाँ पर मौजूद सभी मेरे बड़े बुजुर्गों की तरफ से मैं श्री अभय चौटाला जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने आकर हमारे लोगों का प्रोत्साहन किया, इस धरने को एक नई ऊर्जा देने का काम किया। और ये ऐसे परिवार से आते हैं जिन्होंने हरियाणा में किसान हितों की सरकार कई वर्ष तक चलाई, और जब तक वो चलती रही तो किसानों की बात हमेशा आगे बढ़कर उठती रही हर स्तर पर। लेकिन आज जो परेशानियां हम झेल रहे हैं वो इन्हीं वजह से है कि हमारे लोग कहीं ना कहीं भाजपा को ही समर्थन करने लगे। तो हर जगह, हर सूबे में, हर स्तर पर हमें जरूरत है किसानों के हितों की बात उठाने वाले जनप्रतिनिधियों को चुनने की। और अपने जो बड़े बुजुर्ग थे हमारे चौधरी चरण सिंह जी, जिनके आप और हम सभी अनुयायी हैं, उनके मार्ग पर, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर अपने हितों की लड़ाई लड़े और अपने अधिकार को अधिकार से मांगने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।